नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पहली बार में निकाला जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इस बात को समझिए कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम भी जो है पहली बार में निकालते हैं लोग, तो क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को पहली बार में नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं अदर स्टेट के जो पुलिस के जो एग्जाम होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ यूपी में जो पुलिस का जो एग्जाम होता है कांस्टेबल का, चाहे एसआई की ही आप क्यों ना बात कर ले, जो इसमें मेन चीज है वो है एग्जाम। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो समझो 70% भर्ती क्लियर। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो समझो 70% भर्ती क्लियर, क्योंकि यहां का एग्जाम ही है जो है भाई फिजिकल में तो बहुत आसान किया हुआ है यहां का, कि आपको केवल 5 किलोमीटर रनिंग करने, ना कोई ऊंची कूद है, ना कोई गोला फेंक है, कुछ भी नहीं है, ना लंबी कूद, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है ना। और उसके लिए भी आपको अच्छा खासा समय देते हैं, 25 मिनट मिलता है, सोचिए जरा। तो आप फिजिकल का तो बिल्कुल टेंशन लो हिम्मत, और मेडिकल में बहुत कम बच्चे जो है कि छटते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तभी वो छटते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस का मेडिकल भी नॉर्मली होता है, मेन जो है आपका वो है एग्जाम। अब सवाल यह उठता है कि एग्जाम को कैसे हम जो है पहली बार में निकाले, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम है ना, एग्जाम को निकालना है यूपी पुलिस में तो आपको दो सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला है हिंदी और दूसरा है रीजनिंग। अगर इन दोनों में अगर आप स्कोर अच्छा करते तो आपके जो है एग्जाम निकलने के चांसेस अच्छा हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं हिंदी और रीजनिंग पढ़ के एग्जाम निकाल सकता हूं? तो ऐसा भी नहीं है कि आप केवल हिंदी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। भाई मैथ के कम से कम आपके जो प्रश्न आते हैं वो 18 से 20 प्रश्न होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कि 18 से 20 प्रश्न जो है सारे के सारे सही करो, लेकिन कम से कम आप जो है 13 से 14 प्रश्न आप सही कर सकते हो। इसमें आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मैथ में आप 13 से 14 प्रश्न सही करें। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका मैथ वीक है। आपका मैथ वीक हो या स्ट्रांग उससे मतलब नहीं है, आपको 14 प्रश्न का टारगेट करके चलना है मैथ में भी और रीजनिंग में आपको कितना 50, हिंदी में 32, ये आपको टारगेट करके चलने हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो देखो ना 50 और 32 82 और 14 कितने हो गए आपके 96 प्रश्न आपके जो है ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। 96 क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब आपको जो जीएस में स्कोर करना है, जीएस में कम से कम आपको 25 प्रश्न आपको जो है जीएस में सही करने, ये आपको टारगेट बता रहा हूं, ये टारगेट बना के चलो, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें ये टारगेट बना के चलिए। 25 क्वेश्चन आपने अगर जीएस में अगर सही कर लिया तो 25 और 96 कितने हो जाते हैं आपके 121 क्वेश्चन आपके हो गए। बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होने से। आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप 121 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो 120 प्लस, जैसा कि मैं कहता हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 110 प्लस क्वेश्चन का हो, 220 मैंने बताया है, 220 प्लस का अगर आपका टारगेट है, ये मैं नंबर में बताया, तो सोचिए जरा जो मैं बता रहा हूं 96 क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, और अगर आप 20 भी सही करते तो जीएस में चलो 25 नहीं, अगर आप 20 भी सही करते हो ना तब भी मान के चलो आपके कितने 116 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 116 क्वेश्चन में भी आपके जो नंबर है कितने हो जाएंगे 232 नंबर हो जा रहे हैं, तब भी आप बहुत आसानी से आप जो है कि सिलेक्शन ले लोगे। और रिटर्न निकलने का मतलब फिजिकल आप बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे। मैं जानता हूं फिजिकल में बहुत कम बच्चे छटते हैं यूपी पुलिस के फिजिकल में, जो बिल्कुल ही एकदम जो है कि गधे होते हैं वही छटते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है, ये कुछ प्लानिंग आपको करने पड़ेंगे। देखिए डिपेंड नहीं करता कि आप छोटा एग्जाम दे रहे हो या बड़ा एग्जाम दे रहे हो, मैटर करता है कि आप उस एग्जाम को लेके जो है प्लानिंग क्या कर रहे हो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या अमल कर रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग तो सब करते हैं, अमल कोई नहीं करता है, तो प्लानिंग करिए, साथ ही साथ उसको जो है अपने दिनचर्या में शामिल करिए और उस पर अमल करिए।
प्लानिंग करना बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है, उस पर अमल करना बड़ी बात होता है। चाहे आप यूपीएससी की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लानिंग बहुत आवश्यक होता है। प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ उस पर जो है अमल करिए, हार्डवर्क करिए उस पर, तब जाके वो आपको जो है कि आउटपुट में रिजल्ट देगा, ठीक है। और दोस्तों जो चीजें मैं बताता हूँ ये चीजें मेरा खुद का अनुभव रहा है और खुद का जो है कि मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बिना आप जो है कि प्लानिंग किए, बिना जो है कि आप जो है कि परीक्षा के लिए कोई भी बिना रणनीति बनाए आप जो है, अगर देखिए अगर आप युद्ध के मैदान में भी जा रहे हो तो वहां पे भी आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। बिना रणनीति के आप युद्ध के मैदान में जाओगे तो आप हार के आओगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको फिर से सचेत कर रहा हूं कि एग्जाम पे विशेष फोकस रखिए। समय आपके पास बहुत कम है, आपको लग रहा होगा कि समय बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूं कि कंपटीशन किस लेवल का बढ़ चुका है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए आप उनके कट ऑफ निकाल के देखो कि कंपटीशन का लेवल कहां चला गया है, कहां था और कहां चला गया है, ठीक है। तो इस सारी चीजों को आप थोड़ा सा नोटिस करिए। और जो है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। हमेशा मैंने मोटिवेट किया है और आगे भी करता रहूंगा, सिलेक्शन लेने तक करता रहूंगा, ट्रेनिंग जब तक आप ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे ना तब तक आपको मैं जो है गाइड करता रहूंगा और मोटिवेट करता रहूंगा। तो उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि आप जो है सफलता न अर्जित कर लो। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।